नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको एकात्म धाम के निर्माण की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बताएंगे कि क्यों हुआ इस प्रतिमा का निर्माण, जानेंगे प्रतिमा की विशेषताएं, जानेंगे प्रतिमा व धाम निर्माण परियोजना के लागत व निर्माण आदि की महत्वपूर्ण जानकारी। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की नगरी में सनातन धर्म के पुनरुद्धारक, सांस्कृतिक एकता के देवदूत और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता आचार्य शंकर अर्थात आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन एवं दर्शन को समर्पित एक एकात्म धाम का निर्माण हो रहा है। आचार्य शंकर के दर्शन के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से ओंकारेश्वर को अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अद्वैत लोक के शंकर संग्रहालय में अद्वैत वेदांत दर्शन के विभिन्न मूल्यों से परिचय कराने के लिए नवीन तकनीकी आधारित प्रकल्प विकसित किए जा रहे हैं। शंकर संग्रहालय एकात्म धाम का प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 21 सितंबर को ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कुल 101 बटकों द्वारा वेद उच्चार व शंखनाद के मध्य मुख्यमंत्री और पूज्य संत एकात्म की मूर्ति के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित किया। जानकारी हेतु बता दें कि मात्र 8 वर्ष की आयु में अपने गुरु को खोजते हुए आदि गुरु शंकराचार्य भारत राज्य के केरल से ओंकारेश्वर आए थे। ओंकारेश्वर में ही शंकराचार्य को गुरु गोविंद भगवत पाद नाम के गुरु मिले थे और उन्होंने यहीं गुरु दीक्षा ली थी तथा 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने यहाँ से देश भर में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए प्रस्थान किया था। तत्पश्चात शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर सनातन धर्म की चेतना लोगों के मन में जगाने का कार्य किया। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आदि गुरु शंकराचार्य के महत्वपूर्ण योगदान है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य 4 वर्षों तक ओंकारेश्वर में ही रहे थे। उनकी इसी स्मृति को संजोए रखने के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा यहां पर बनवाई है। विशेष ये है कि इस प्रतिमा में उनके बाल स्वरूप को ही दिखाया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहले ही महाकाल कॉरिडोर बन चुका है और श्रद्धालुओं के लिए कई कार्य किए गए हैं। वहीं ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। इस पूरे परिक्षेत्र को एकात्म धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर अद्वैत लोक नाम का एक संग्रहालय भी बन रहा है। साथ ही आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। प्रतिमा निर्माण की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि देश की प्रमुख कंपनी L&T इस प्रतिमा का निर्माण कर रही है, जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण भी कर रही है तथा महाराष्ट्र के शोलापुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार भगवान रामपुर ने इस मूर्ति को गढ़ा है। वहीं 2018 में चित्रकार वासुदेव कामत ने इसका चित्र तैयार किया था। भाजपा ने तब 2017-18 में एकात्म यात्रा भी निकाली थी। 27,000 ग्राम पंचायतों से इसके अंतर्गत धातु संग्रहण करने के लिए अभियान चलाया गया था। एकात्म धाम में शंकराचार्य से जुड़ी चित्रकथाएं, लेजर एंड लाइट शो, उनके जीवन पर फिल्म सृष्टि नाम का अद्वैत व्याख्या केंद्र, नर्मदा विहार, अन्न क्षेत्र और शंकर कलाग्राम विकसित किया गया है। एक पारंपरिक गुरुकुल भी यहां स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 36 हेक्टेयर में अद्वैत वन भी विकसित किया जा रहा है। 2100 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। प्रतिमा के अतिरिक्त परियोजना का शेष कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा, अर्थात लगभग 1 वर्ष में। बता दें कि एकात्म धाम में बनने वाले शंकर संग्रहालय में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था वाला हाई स्क्रीन थिएटर होगा, जिस पर आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन पर आधारित फीचर फिल्म शंकर का प्रदर्शन होगा। संग्रहालय में वेदांत व्याख्या के लिए सृष्टि गैलरी विकसित की जाएगी। संग्रहालय के श्री यंत्र प्रांगण में
प्रत्येक दिवस लेजर लाइट शो, वाटर एंड साउंड शो का प्रदर्शन किया जाएगा। 3D होलोग्राम और अन्य आधुनिक तकनीकी के माध्यम से ब्रह्मा, सृष्टि, माया, जीव एवं जगत आदि सिद्धांतों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। शो के समयावधि में प्रतिमा, पेडेस्टल, हंस द्वार और श्रीयंत्र, इसके अतिरिक्त ओम स्तंभ और शिखर पर प्रोजेक्शन मैपिंग भी की जाएगी। संग्रहालय के विशेष कक्ष में डायोरामा के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन पर आधारित 5 से 7 मिनट की दृश्यवलियां प्रस्तुत की जाएंगी। बता दें कि ओमकारेश्वर में नर्मदा किनारे देश का 4th ज्योतिर्लिंग उपस्थित है। साथ ही यह स्थान शंकराचार्य की दीक्षा स्थली भी है, जहां पर वे 4 वर्षों तक विद्या का अध्ययन किया। बता दें कि 12 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने ओमकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के लोक व्यापीकरण के लिए प्रस्थान किया था। ओमकारेश्वर में उपस्थित यह प्रतिमा विश्व में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ओमकार पर्वत पर अद्वैत वेदांत पीठ 28 एकड़ में विस्तारित है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। एकात्म की प्रतिमा के नीचे मुख्य भवन में विशाल शंकर स्तंभ होगा। शंकर स्तंभ 45 फीट ऊंचा और इसका व्यास लगभग 100 फीट होगा। शंकर स्तंभ पर आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन की 32 घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक अन्नपूर्णा भोजनालय संग्रहालय के पूर्व दिशा में स्थित होगा, जिसमें 300 से 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था भवन के भीतर तथा 700 से 1000 लोगों के लिए बैठक व्यवस्था बाहर में होगी। बैठक व्यवस्था पारंपरिक और आधुनिक दोनों शैली में होगी। अन्नपूर्णा में पधारने वाले सभी आगंतुकों के लिए विशेष व्यंजन अद्वैत भोग की व्यवस्था होगी, जो सभी के लिए उचित दाम पर उपलब्ध होगा। मध्य प्रदेश के मुख्य व्यंजनों के साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष व्यंजन भी उपलब्ध रहेंगे। मध्य प्रदेश एवं भारतवर्ष की समस्त लोक एवं क्षेत्रीय शिल्पियों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए अद्वैत कलाग्राम विकसित किया जा रहा है। कलाग्राम में दुकानों की वास्तुशैली पारंपरिक मंदिर वास्तुशिल्प पर आधारित होगी। परिसर के बीच खुले स्थान पर कलाकारों द्वारा शिल्प कलाओं का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। आचार्य शंकर द्वारा पुनर्स्थापित पंचायतन पूजा पद्धति पर पंचायतन मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर का निर्माण नागर शैली पर संपूर्णतः पत्थर से किया जाएगा। यहाँ पर नित्य पूजा अभिषेक होंगे तथा भक्त भी पूजा अभिषेक कर पाएंगे। बच्चों के विद्यारंभ, उपनयन इत्यादि संस्कार के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर होगी। महत्वपूर्ण है कि लगभग 2100 करोड़ रुपए की लागत से एकात्म धाम बनकर के तैयार हो चुका है और धाम निर्माण का यह पहला चरण है। सनातन धर्म के पुनरुद्धारक, सांस्कृतिक एकता के देवदूत और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता आचार्य शंकर के लिए यह एकात्म धाम विकसित किया गया है। आशा है कि आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा व अद्वैत लोक वेदांत धाम का दर्शन कर सनातनी अपने मन से अहंकार व विधर्मियों द्वारा घोली गई भेदभाव को त्याग कर पुनः एक होंगे और विश्व में भारत को पुनः अपने सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में योगदान देंगे। आपके इस पर क्या विचार हैं वह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए इन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी भारत वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई एकात्म धाम निर्माण की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।